धमतरी जिले के किसान जीवन लाल साहू ने धमतरी पटवारी पर उसकी जमीन गलत तरीके से बेचने का आरोप लगाया है। प्रार्थी का दावा है कि उसके पिता हीरालाल साहू ने अपने दोनों बेटों को उत्तर और दक्षिण क्षेत्र में जमीन दी थी, जिसमें से उसके हिस्से की जमीन का नक्शा बनाते वक्त पटवारी ने धोखाधड़ी करते हुए बाईपास सड़क का नक्शा निकाल दिया। जब प्रार्थी ने इसकी शिकायत तहसीलदार से की, तब जमीन दलालों द्वारा उसे धमकाया भी गया। इससे परेशान होकर किसान जीवनलाल साहू ने आत्मदाह करने का प्रयास भी किया था। गौरतलब है कि प्रार्थी अपनी शिकायत जनदर्शन में मुख्यमंत्री से भी कर चुका है। आश्वासन मिलने के बाद अब वह उचित कार्यवाही की दरकार में है। मेरे जमीन को दलालों ने, अधिकारियों ने, तहसीलदार ये लोग मिल करके बिक्री कर दिए हैं, उसके लिए मैं न्याय चाहता हूँ। मैं 20 साल से वहाँ कृषि कार्य कर रहा था और उसको दलाल लोगों ने मिल करके, उनको साथ मिल करके मेरे जमीन को बिक्री कर दिया है, उसके लिए मैं निमंत्रण भी किया हूँ। धोखाधड़ी मुख्य रूप से किसने की, आपके साथ दलालों ने या फिर आपके भाई ने? भाई ने, पटवारी जबरदस्त उनको मतलब राय दिया और पटवारी का मुख्य खेल है। कितने में आपकी जमीन को सौदा हुआ है? मेरे जमीन को 5.5 लाख में मेरे भाई ने बेचा है पटवारी के साथ मिलकर। कहाँ कहाँ आप आवेदन कर चुके हैं इसके लिए? मैं लोक आयुक्त थे और कल परसों मुख्यमंत्री के पास भी गया था, वहाँ से मुलाकात की, वहाँ आवेदन दिया, प्रधानमंत्री को भी संदेश लिखा और आपके यहाँ भी आया है। इस प्रकार से जहाँ जहाँ भी है मैं सबको, जिलाधीश को दिया है, एसपी साहब को भी दिया है, इस प्रकार सब जगह अपना चुनौती दिया, क्योंकि मेरा तो पूरा आधार ही खत्म हो गया। मैं मरना चाहता था, मैं भगवान की किस्मत पर मुझे अखिल भारतीय हिंदू परिषद के जो सदस्य हैं उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। मैं कहा मेरे ऐसा ऐसा मेरे में घटना हो रहा है, मेरे को जीना दुहरा हो गया है। तो उन्होंने मुझे राय दिया कि आप जाइए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको साथ दूंगा, आपको विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष से मुलाकात करूँगा।